देखिए, क्रिसमस के रंग तो आपने देख लिया, बात चार धाम यात्रा की भी करते हैं। आमतौर से गर्मियों में चार धाम यात्रा का आगाज होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मगर क्यों, श्वेता बताएंगी। बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहास में पहली बार ठंड के मौसम में चार धाम की यात्रा के मिथक को तोड़ने की पहल ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य ने की है। ये पहला मौका होगा जब शंकराचार्य शीतकालीन चार धाम यात्रा करेंगे। हिमालय की गोद में बसे चारों धाम जो है सनातन धर्म में अगाध श्रद्धा का केंद्र, जहां आस्था के शिखर पर विराजे हैं बद्री और केदार, जहां से हुआ सनातन को सींचने वाली भागीरथी का उद्गम, जहां सजा है माँ यमुना का दिव्य दरबार। पूरी दुनिया जब क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न में डूब रही है, तब देवभूमि उत्तराखंड में पहली बार ऐतिहासिक शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। वैसे तो चारधाम यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड में गर्मियों में होती है, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब शीतकाल में भव्य और दिव्य चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा की शुरुआत जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद करेंगे। 7 दिन तक चलने वाली इस शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ 27 दिसंबर को होगा, जबकि यात्रा का समापन 2 जनवरी को हरिद्वार में होगा। आदि गुरु शंकराचार्य परंपरा के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब ज्योतिष पीठ के आचार्य उत्तराखंड स्थित चार धामों के पूजा स्थानों की तीर्थ यात्रा की जा रही है। आम धारणा ये है कि शीतकाल के 4 महीने तक उत्तराखंड के चार धामों की बागडोर देवताओं को सौंप दी जाती है और उन स्थानों पर चल मूर्तियों को शीतकालीन पूजा स्थानों में विधि विधान से विराजमान कर दिया जाता है, लेकिन सामान्य लोगों में ये धारणा रहती है कि अब 6 महीने के लिए पट बंद हुए तो देवताओं के दर्शन भी दुर्लभ होंगे, जिसको देखते हुए जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने ये पहल की है। माना जा रहा है कि देव दर्शन से जहां एक ओर यात्रियों को धार्मिक आध्यात्मिक लाभ होगा, वहीं इस यात्रा से पहाड़ के स्थानीय लोगों को भौतिक लाभ भी मिलेगा। इससे न सिर्फ सनातन संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उत्तराखंड जिसका राजस्व धार्मिक यात्राओं पर निर्भर करता है, उसे भी फायदा होगा। यात्रा के आमंत्रण के लिए ज्योतिर्मठ का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री धामी से भी मिला और यात्रा का आमंत्रण पत्र दिया, जिसके बाद सीएम धामी ने चारधाम यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।